दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाभियों को कैसे पटाएं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको सिंपल चार तरीकों से बताऊंगा कि आप आसानी से भाभियों को कैसे पटा सकते हो। अगर आप भी भाभियों को पटाने में इंटरेस्टेड हो तो ये वीडियो आपके लिए खास है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, भाभियाँ दो टाइप की होती है। पहली वो जिनकी नई नई शादी होती है और जो अपने पति को बस में रखती है, जो कि काफ़ी एटीट्यूड वाली होती हैं। इन भाभियों को पटाना मुश्किल होता है, इनके बारे में कभी सोचना भी मत। जो दूसरे टाइप की भाभियाँ होती है वो है जिनकी शादी को कुछ साल हो चुके होते हैं, उनके पति जो ज़्यादातर घर से बाहर रहते हैं और इनके बच्चे भी होते हैं। ऐसे भाभियों को पटाना बहुत ही आसान होता है। तो आइए जानते हैं सिंपल चार तरीकों से आप भाभियों को कैसे पटा सकते हैं। पहला स्टेप, आप फ्लर्ट के जरिए भाभियों को आसानी से पटा सकते हैं। दोस्तों, नॉर्मली भाभियों के साथ थोड़ा बहुत मजाक तो चलता रहता है, लेकिन जब आप भाभियों से मिलोगे तो उनसे मजाक के साथ साथ थोड़ा सा फ्लर्ट भी करना शुरू कर दो। फ्लर्ट उतना ही करें जितना कि ओवर ना हो और उन्हें बुरा भी ना लगे, और वो आपकी बातों को नोटिस भी करें। इस तरीके से, मतलब फ्लर्ट के ज़रिए आप भाभियों को पटाएंगे तो उनके पटने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टेप दूसरा, ऐसी भाभियों को पटाना सबसे आसान रहता है जिनके पति घर से ज़्यादातर बाहर रहते हैं और वे अपने पत्नियों को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती, और ऐसी भाभियों के दिल में बहुत सी ऐसी बातें होती है जो अपने पतियों से करना चाहती है, लेकिन टाइम की कमी की वजह से या टाइम ना होने से वो अपने पतियों से नहीं कर पाती, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा अकेला फील करती है। और ऐसे में जब आप इन भाभियों को अपना टाइम देते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, वो क्या कहना चाहती है, क्या फील करती है, ये सब बातें करती है, तो वो आपसे बहुत ही ज़्यादा क्लोज आने लगती है। और इस तरह आप अपना थोड़ा सा टाइम देकर इन भाभियों को भी पटा सकते हो। स्टेप तीसरा, आप जब भी भाभियों से बात करें, उनसे बात करते समय उन्हें ऐसा फील कराएं जैसे कि आप एक कुंवारी लड़की से बात कर रहे हो। उन्हें बातों बातों में कुंवारी लड़की जैसा फील कराएं, क्योंकि शादीशुदा औरतें या भाभियाँ अपने शादी से पहले की लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस करती हैं, और ऐसे में आप उनसे बात करते समय ये फील करा दे कि वो एक लड़की है, वो अब भी बहुत ज़्यादा यंग है, तो उन्हें बहुत खुशी होती है और अंदर ही अंदर वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील करती है। और बीच बीच में बात करते समय आप उनकी तारीफ भी कर सकते हो, इससे उनके और उनको और भी अच्छा लगता है। इससे भाभियों के पटने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। स्टेप नंबर चार, दोस्तों भाभियों को पटाने के लिए आप उन्हें बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करवाएं। उन्हें ये एहसास दिलाएं कि आपकी लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, आपके लाइफ में उनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है। आप उन्हें ऐसा फील कराते हो तो भाभियाँ बहुत जल्दी आपसे इम्प्रेस हो जाती है। जब आप भाभियों को स्पेशल फील कराते हो, साथ ही उनके साथ टाइम बिताते हो, उनकी बातों को सुनते हो या उन पर ध्यान देते हो, उन्हें इग्नोर नहीं करते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके लिए वो बहुत ही स्पेशल है, और उन्हें ऐसा फील कराना बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि नई नई शादी होने के बाद उनके हस्बैंड उनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, उन्हें टाइम देते हैं, लेकिन जैसा जैसा समय बीतता है उनके हस्बैंड उनमें इंटरेस्ट लेना कम कर देते हैं और उन्हें टाइम भी नहीं दे पाते, और इस वजह से भाभियाँ बहुत अकेली हो जाती है। और इस समय में आप उन्हें स्पेशल फील कराते हो तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, और इस वजह से भाभियों के पटने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।